A South Asian Canadian channel. कांग्रेस की जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चोणों में अपने आप नूं पार्टी के चेहरे वजो पेश किया, पर इस गल की पुष्टि नहीं की कि वह चोण लड़ेगी या नहीं। जदों उन्हां नूं पुछया गया कि यूपी चोणों में पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि तुहानूं कांग्रेस पार्टी का कोई होर चेहरा नजर आ रहा है। अपने भरा ते साबका प्रधान राहुल गांधी नाल पार्टी का यूथ मैनीफेस्टो जारी करने लई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिया उन्होंने भी कहा कि तुहानूं हर पासे मेरा ही चेहरा दिखेगा। यह शब्द इस पासे संकेत दिंदे ने कि हो ना हो प्रियंका ही पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगी। हालांकि यह पूछे जाने कि वह खुद विधानसभा चोणा लड़नगे, प्रियंका गांधी ने कहा कि असी अजे फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस बारे फैसला होने तो बाद ही पता लग पाएगा। प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जनरल सकत्तर इंचार्ज है ने कहा कि जेकर चोणा तो बाद स्थिति पैदा होंगी है तो पार्टी निश्चित तौर पर होर पार्टियां समर्थन देने पर विचार करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गठन लई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नौजवान खास तौर पर औरतों लई अपने नजरिए पहल के तौर पर लागू करेगी तो समर्थन देवेगी। भारती विधान यूथ मैनीफेस्टो जारी करन दे नाल ही राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि इस नूं सूबे दे नौजवानां दे नाल गलबात करके तैयार किया गया। कांग्रेस ने इस मौके ते मेरा जॉब मुझे मिलेगा गीत भी रिलीज किया। जैसे राहुल जी ने कहा, ये जो भर्ती विधान है इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिले जिले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। उन्होंने, वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से, मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। ऐसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाएं। इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए कि अगर कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसको उसका कुछ कोई हुनर है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, उसको कैसे हम मदद करें, उसका समर्थन कैसे करें, वो भी इसमें एक अलग सेक्शन में है। एक और सेक्शन है भागीदारी। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की वो नहीं हो रही है। तो इन सब को, बातों को एड्रेस करते हुए ये है, ये सेक्शन है। और एक आखिरी सेक्शन है जिसमें भलाई की बात की है, जिसमें हमने जो नौजवानों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो रिक्रिएशन की समस्याएं हैं उनको हमने एड्रेस किया है। इनके कुछ डिटेल मैं आपको देना चाह रही हूं।
उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्यालयों में 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है उसको रिलैक्स करके जहां जहां हुनर है, जहां जहां 100 से ज्यादा एक ही इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं, वहां पे उसे क्लस्टर डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें पूरी सुविधाएं और जितने भी साधन संसाधन है वो दिए जाएंगे ताकि उनका बढ़ावा हो। इसमें खास तौर से हम युवाओं पे फोकस करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा टूटा है नौजवानों का, उसको एक बार फिर जागरूक करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके फॉर्म भरने की जो फीस है वो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो फीस पूरी तरह से माफ होंगी। परीक्षा देने के लिए जब बस ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी वो भी मुफ्त होगी। एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब परीक्षाएं देते हैं तो साल भर के लिए रिजल्ट नहीं आता, उसका कट ऑफ चेंज हो जाता है परीक्षा देने के बाद, या फिर पेपर लीक होता है तो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिजल्ट की तारीख, नियुक्ति की तारीख पहले से दर्ज की जाएगी। इसका कड़ाई से पालन करवाएंगे और इसके उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। पेपर लीक को रोका जाएगा, क्योंकि किस तरह से सरकारी जगहों पर पेपर की छपाई होगी, लीक की स्थिति में कड़ी सजा होगी। तो इसके अलावा भी बहुत ऐसे हमने मुद्दे इस विधान में लिखवाए हैं और हम उनको पूरा करेंगे। जिस तरह से आज जो पेपरों में इतना घोटाला हो रहा है परीक्षाओं में, इसको बंद करने के लिए हम पूरी तरह से अपना प्रयास करेंगे। यूपी में चुनाव है और देश की और उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच यह है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने
रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैं यूपी की टीम को, प्रियंका जी को, मोना जी को, लल्लू जी को और हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरे दम से लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। A South Asian Canadian channel.